जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी कि एक साझेदार का अवकाश ग्रहण 31 दिसंबर 2015 को रमेश, सुरेश और तरुण जो परस्पर अपनी पूंजी के अनुपात में लाभालाभ वितरित करते हैं उनका चिट्ठा निम्नलिखित दिया गया है। यहाँ पर दायित्व यानी लायबिलिटी साइड है और इधर संपत्ति यानी एसेट्स साइड लिखा हुआ है। यहाँ पर सुरेश जो कि बीच का पार्टनर है, इसने 1 जनवरी 2016 को अवकाश ग्रहण किया। उस समय संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में निम्नलिखित समायोजनाएं करने का निर्णय किया गया है। तो क्या निर्णय हुआ है? देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणात् संचिति कीजिए, यानी 5% देनदारों का पैसा डूबेगा। भूमि और भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, यानी ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का दाम 25,000 का 20% यानी 5,000 रुपये बढ़ जाएगा। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का उल्लेख करेंगे। स्टॉक का मूल्य 6% अपलिखित किया जाए। आदत्त वैधानिक व्यय के लिए 510 का प्रावधान किया जाए। फर्म की ख्याति का मूल्य 10,800 रुपये लगाया जाए। रमेश और तरुण ने भविष्य में 5:3 के अनुपात में लाभालाभ वितरण करने का निश्चय किया। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि सुरेश के अवकाश ग्रहण पर ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए तथा रमेश और तरुण का 1 जनवरी 2016 को आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए, यह मानते हुए कि सुरेश को देय राशि उसके यानी उनके ऋण खाते में अंतरित कर दी गई है। तो इस सवाल की जब शुरुआत हम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस भाषा पर ध्यान देंगे। उन्होंने अपनी परस्पर पूंजी के अनुपात में लाभालाभ बांटने का निश्चय किया, तो इनकी पूंजी कितनी है? 20,000, 15,000 और 10,000। तो इसको अगर हम अनुपात में लेंगे, यानी इसका अगर हम रेशो बनाना चाहें, तो 20,000, 15,000, 10,000 का हम सिर्फ इसका 20, 15, 10 लेंगे। 20 इस प्रकार से 20, 15 और 10। अगर इसको और छोटा करेंगे तो इसे 5 से यानी 5 से काट लीजिए। 5 4 जा यानी 5 चौक 20, 5 3 या 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा यानी 5 दूनी 10, 4 3 2 का इनका पुराना अनुपात है और नया अनुपात 5:3 का है, जो कि सवाल में यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सवाल में ये कहा गया है, कुछ बच्चों ने कहा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है आप इसके बारे में जड़ से बताइए, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हमें जानकारी आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको 2 मिनट में समझ सकते हैं। जब पार्टनरशिप के अंदर चाहे कोई पार्टनर नया आए या कोई नया पार्टनर जाए, उसके आने या जाते समय जब भी ये जो संपत्तियां होती हैं और ये जो लायबिलिटी होता है, इसमें पुराने साझेदार लोग कुछ न कुछ मौजूदा समय के बाजार को हालात को देखते हुए जो मार्केट में उस वक्त के हालात होते हैं, इन संपत्तियों का मूल्यांकन होता है। क्या इन संपत्तियों का वही मूल्य है जो यहाँ पर लिखा हुआ है या इससे कुछ कम या ज़्यादा है? अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो ध्यान रखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसमें जब कोई संपत्ति कम होती है तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। यानी जब कोई भी एसेट्स अगर कम होगी तो हमें नुकसान होगा, सभी नुकसान वाली चीज़ें रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखी जाती हैं और सभी फायदे वाली चीज़ें रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखी जाती हैं। यदि इनमें लेनदार है, अगर लेनदार वह व्यक्ति होता है, अगर ध्यान से देखें तो जिसको ये पार्टनर लोग पेमेंट करेंगे एक निश्चित समय के बाद, लेकिन अगर यह लेनदार कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इनको इतना रुपया कम देना पड़ेगा तो इन्हें फायदा होगा। उसी जगह पर अगर ये लेनदार बढ़ जाता है तो इन्हें नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार से संपत्तियों में ध्यान देंगे, अगर संपत्तियाँ बढ़ती हैं तो इसका मतलब सभी साझेदारों को फायदा होगा।
अगर संपत्तियां घटती हैं तो सभी साझेदारों को नुकसान हो जाएगा। तो जब हम संपत्तियों के बढ़ने और घटने के बारे में बात करेंगे तो संपत्तियां बढ़ती हैं तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं, अगर संपत्तियां घटती हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ऐसे ही लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर घटेगा तो फ़ायदा होगा, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अगर संपत्तियां बढ़ती हैं तो नुकसान होगा और वह नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम रेशो निकालेंगे और पुराने रेशो और नए रेशो का एडजस्ट करके हम गुडविल का भी पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ से स्टार्ट है। ओल्ड रेशो 432, रमेश, सुरेश और तरुण, RST, उनके नाम का पहला अक्षर हमने ले लिया है। सुरेश इसमें रिटायर होता है तो जो रेशो बचता है वो RT यानी रमेश और तरुण का बचता है। तो न्यू रेशो ऑफ RT का होता है 5/3 का। गेनिंग रेशो का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशो। अगर हम न्यू माइनस ओल्ड रेशो करते हैं तो न्यू रेशो सवाल में लिखा है 5/3 का। यहाँ पर न्यू रेशो RT यानी रमेश का और तरुण का 5/3 का होगा। तो R यानी कि रमेश का गेनिंग रेशो क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड तो 5/8 माइनस 4/9, 4 × 3 = 7, 2 = 9, तो 4/9, 3/9, 2/9 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5/8 / 4 माइनस 4/9 करेंगे तो इन दोनों का जो लघुत्तम होगा 72 होगा। 8 का 72 में भाग करेंगे तो 8 × 9 = 72, 9 आएगा। उस 9 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45, 45 होगा। इसके बाद ऐसे ही माइनस लगाएंगे, फिर 9 × 9 = 72, 8 होगा। 8 की मल्टीप्लाई 4 में 8 × 4 = 32 होगा। 45 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 प्राप्त होगा यानी 13 आएगा। इसके बाद ऐसे ही तरुण का निकालेंगे क्योंकि सुरेश तो इसमें रिटायर हो गया है, तो गेनिंग रेशो जो बचेंगे उनका ही निकालना होगा। 3/8 यानी 3/8 ये रहा और 2/9 माइनस करेंगे, LCM 72 ही होगा। 8 × 9 = 72 तो 9 × 3 = 27, 9 × 8 = 72, 8 × 2 = 16, 27 में से 16 घटाएंगे 11/72 तो 13/11 का रेशो आता है। गेनिंग रेशो 13/11 लिखेंगे। फर्म में कहा है पूरे फर्म की गुडविल 10,800 रुपये लिखा हुआ है, तो 10,800 रुपये फर्म की गुडविल है, उसमें सुरेश का हिस्सा बीच का हिस्सा है 3/9 का, तो सुरेश का 3/9 काटेंगे तो 3600 रुपये होगा। यह 3600 रुपये 13/11 में रमेश और तरुण बांट लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सुरेश का हिस्सा जो कि 3600 है, जिसे रमेश और तरुण अपने गेनिंग रेशो यानी 13/11, 13/11 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो R यानी कि रमेश इसे लेगा, 13/11 का टोटल 24 होता है, तो 13/24 काटेंगे तो 1950 रुपये रमेश को देना होगा और तरुण को 1650 रुपये यानी 11/24 करेंगे तो ये 1650 रुपये तरुण देगा सुरेश को, इसको रमेश देगा सुरेश को। इस प्रकार से इसे हम पार्टनर्स कैपिटल में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से और चेक करेंगे आखिर क्या क्या चीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा। आपने रेशो आसानी से देख लिया है, बहुत अच्छी तरह से इसको बताया गया है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आप ध्यान देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिन संपत्तियों का दाम कम हुआ डेबिट में लिखेंगे। देनदारों में बैड डेट्स कट गया है 5% से बोला गया है और देनदार यहाँ 10,000 के हैं तो 5% से 500 आएगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है 500 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसके बाद भूमि व भवन, लैंड एंड बिल्डिंग यानी ये जो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम है 20% बढ़ेगा तो यहाँ पर 25,000 रुपये है, इसका 20% 5,000 होगा यहाँ लिखेंगे। इसके बाद स्टॉक का मूल्य 6% कम होगा, स्टॉक यहाँ देखेंगे तो 8,000 का है, 8,000 यानी 8,000, इसका 6% 480 रुपये होगा। हमने यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग सोचा डेबिट होगा लेकिन डेबिट नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है क्योंकि इसका दाम बढ़ रहा, अगर घटता तो इसका दाम हम यहाँ लिखते। आपको यहाँ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना यानी ये लाइन लिखनी ही नहीं है। इसके बाद है अदत्त वैधानिक व्यय के लिए 510 का प्रावधान करेंगे। तो ये जो आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेज है यह एक खर्चा है जो कि इनकी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, इससे फर्म को नुकसान हो रहा है।
तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 510 का है, 5000 में से इन तीनों को यानी कि 1490 को घटा देंगे तो जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ वो 3510 का होगा। इसको हम उसी रेशो में बांटेंगे इनके कैपिटल के रेशो में 4:3:2 में, यानी 4:9। 3510 × 4:9 3:9 2:9 तो ये रकम हमें प्राप्त हो जाएगी। ये प्रॉफिट बढ़ चुका है, 3510 को तीनों पार्टनरों को दे दिया गया है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले पुराना 20, 15, 10, सबसे पहले हम इसी कैपिटल को लिखेंगे 20,000, 15,000, 10,000। इसके बाद रिजर्व यहाँ है 18,000 का, उसको 4:3:2 में बांट देंगे, 8,000, 6,000, 4,000 आएगा, पुराने रेशों में ही बांटते हैं। इसके बाद रिवैल्यूएशन का ये बैलेंस लिखेंगे, इसको भी लिख दिया गया। इसके बाद जो सुरेश रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल को रमेश और तरुण दो लोग देंगे 1950 रुपये और 1650 रुपये, जिसकी मैंने वर्किंग आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये वाली रकम इनके खातों में डेबिट हो जाएगी इस साइड में टू सुरेश कैपिटल के नाम से। इन्होंने सुरेश को 1950 दिया है, इन्होंने 1650 दिया है, 3600 रुपये इस प्रकार से दिए गए हैं, यहाँ लिख दिए जाएंगे। इसके बाद फिर और कुछ नहीं बचता है। इसके बाद हम रमेश का टोटल करेंगे तो रमेश का टोटल देखेंगे तो 29,560 आया है। 29,560 में से 1950 रुपये कम कर देंगे तो रमेश का बैलेंस कैपिटल का 27,610 हुआ। और जो सुरेश रिटायर हो रहा है उसकी पूंजी 25,770 की है, लेकिन 25,770 की यह पूंजी उसके लोन खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि अभी सुरेश लोन के रूप में लिखा जाएगा, इसको पेमेंट अभी नहीं दिया गया है। इसको कहा गया है कि तुम्हारा पैसा हमारे यहाँ पर लोन के रूप में रखा रहेगा, जब हमारे पास पैसा होगा तो हम भुगतान कर देंगे, उससे पहले तुम्हें इस पर ब्याज भी देते रहेंगे, यह लोन का नियम होता है। इसके बाद तरुण का देखेंगे, तरुण का हिसाब किताब 14,780 का है, 1650 रुपये। यहाँ पर तरुण का हिसाब 14,780 का है, 1650 रुपये कम कर देंगे तो यहाँ पर 13,130 रुपये का बैलेंस तरुण की कैपिटल का बचता है। इस प्रकार से जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इन दोनों की तो कैपिटल लिखेंगे, रमेश की और तरुण की, लेकिन सुरेश का हम लोन लिखेंगे 25,770 का। यहाँ पर कैश अकाउंट से कोई मतलब नहीं है और ना ही कैश अकाउंट में किसी प्रकार का लेन देन हुआ है, ना ही कैश अकाउंट में कोई छेड़खानी हुई है, यानी कैश अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। अब चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान रखिए। पुरानी बैलेंस शीट में यहाँ लिखा गया है क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स की रकम 13,800 है और यहाँ 13,800 यानी क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो क्रेडिटर्स पूरे 13,800 ही लिखे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, रिजर्व फंड हम बांट चुके हैं, रिजर्व फंड से कोई मतलब नहीं है। रमेश, सुरेश और तरुण लिखा हुआ है तो रमेश की पूंजी और तरुण की पूंजी तो रहेगी कैपिटल के रूप में, लेकिन सुरेश की पूंजी अब लोन के रूप में बदल चुकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुरेश का लोन 25,770 रुपये का और जो कैपिटल है वह रमेश का और तरुण का लिखेंगे। यहाँ हमने सुरेश का देखो यहाँ पर ब्लैंक कर दिया, सुरेश की कैपिटल नहीं होगी, सुरेश का लोन होगा। इस प्रकार से दोनों की पूंजी 40,740 हुआ और इसका जब टोटल करेंगे तो 80,820 रुपये का टोटल होगा। अब हम इधर देखेंगे, चेक करेंगे, कैश में हमारा कोई लेन देन नहीं हुआ है, ना ही कुछ घटा है और ना ही बढ़ा है, तो कैश 2900 का है। तो यहाँ पर देखेंगे कैश सेम टू सेम 2900 का ही रखा गया है, ये रहा। इसके बाद बैंक है, बैंक में 12,400 है तो हमने 12,400 ही रखा है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का नाम यहाँ बोला गया है 20% बढ़ा दिया गया, तो 25,000 का 20% 5,000 होता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 5,000 बढ़ा के अब 30,000 कर दिया गया है। इसके बाद प्लांट और मशीनरी 18,500 है, तो प्लांट और मशीनरी कुछ नहीं हुआ है, सेम टू सेम 18,500 रहेगा। डेप्टर्स 10,000 के हैं, यहाँ 5% का बैड डेट्स कटवा दिया, 500 रुपये तो घट जाएगा बैड डेट्स का प्रोविजन वाला पैसा, 9,500 रुपये लिखेंगे। स्टॉक यहाँ पर 8,000 का है, जबकि यहाँ पर 6% का डेप्रिसिएशन हो गया।
और ये डिप्रिसिएशन 8,000 में से 480 रुपये घटाएंगे तो हमें 7,520 रुपये मिलेगा। इसके बाद हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे, टोटल करने पर 80,820 रुपये का टोटल दोनों तरफ मैच हो जाएगा। और अब सवाल में इन्होंने ये कहा है कि जर्नल एंट्री भी करके दिखाइए, तो आइए उस पॉइंट पर भी ध्यान दे लेते हैं जहां पर सवाल में ये कहा गया है कि जर्नल एंट्री भी करके आपको दिखाना होगा। तो जर्नल एंट्री वाला जो पॉइंट है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आइए समझते हैं किन किन बिंदुओं पर हमें जर्नल एंट्री के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जब मिस्टर सुरेश अवकाश ग्रहण करते हैं तो संपत्तियों का दाम घटता है और बढ़ता है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उन संपत्तियों से जो संपत्तियाँ कम होती हैं, और उन दायित्वों से जो दायित्व बढ़ते हैं यानी लायबिलिटी बढ़ती है। तो एसेट्स हमारी कम होती है, डेटर्स कम होते हैं और स्टॉक कम होता है और ये लायबिलिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर ये जर्नल एंट्री का भाग लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, बैड डेट्स के 500 रुपये जो कि डेब्टर्स पे हमने काटे हैं, उसके बाद स्टॉक पर 480 रुपये, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेज अदत्त कानूनी व्यय 510 रुपये, कुल मिलाकर के 1490 रुपये हुआ। ये रकम आपको पता है बैड डेट्स स्टॉक आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेज कहाँ से आया, यहाँ से देनदारों का, देनदार 10,000 के हैं तो 5% से 500 रुपये होगा, और स्टॉक 8,000 हैं 6% काटेंगे तो 480 रुपये होगा, और 510 रुपये ऑलरेडी कटा हुआ रखा है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 20% से बढ़ गया, तो यहाँ पर बिल्डिंग का जो दाम 20% से बढ़ा है तो बिल्डिंग का यहाँ पर देखेंगे तो भूमि भवन का दाम 25,000 रुपये है, तो इसका 20% 5,000 रुपये होता है, इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग को डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, यहाँ पर बिल्डिंग को डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपये से। इसके बाद यहाँ पर डेट ध्यान देंगे तो 1 जनवरी को अवकाश ग्रहण किया है यहाँ पर इसने, जब इसने रिटायरमेंट 1 जनवरी 2016 को हुआ है तो वही तारीख हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि और अदर डेट्स यहाँ पर और कुछ आ नहीं सकता है, रिटायरमेंट के डेट पर ही यह सब चीज़ मान्य कर लेंगे। अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वैसे अगर डेट लिखा है तो क्वेश्चन में इस डेट का मेंशन अवश्य कर दीजिए, लिख दीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जो यहाँ पर फर्म की ख्याति का मूल्य है, तो जो एक फर्म की ख्याति का मूल्य है पूरा 10,800 है, इस 10,800 में से मिस्टर सुरेश का जो हिस्सा है वह 3/9 भाग है, जिसको मैंने पहले ही आपको दिखाया था, तो 3/9 हम काटेंगे 3600 होगा। इस 3600 का पेमेंट रमेश और तरुण के द्वारा किया जाएगा 1950 और 1650 रुपये, इस प्रकार से दो लोगों के खातों में डेबिट होगा और एक बंदे के खाते में क्रेडिट। तो रमेश और तरुण अपने यहाँ पर 1950 और 1650 रुपये डेबिट करेंगे और सुरेश के यहाँ पर 3600 रुपये क्रेडिट कर लेंगे। उसके बाद एक एंट्री और होगी, जो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया था हमने तो वहाँ पर ध्यान देंगे आप तो वहाँ पर प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में, और वह प्रॉफिट हुआ था ये 3510 रुपये का, इसको हमने तीन लोगों में बांटा था और इसे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखा है और इन पार्टनरों के कैपिटल के क्रेडिट साइड में यहाँ लिखा गया है, सेम यही नाम लिखा जाएगा। बंटवारे के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल टू तरुण कैपिटल में यह प्रॉफिट 3510 का बंटवारा कर दिया जाएगा। इसके बाद हमने एक एंट्री रिजर्व फंड को हमने इन तीनों लोगों को दिया था 4-3-2 में, उसकी एंट्री करेंगे। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल सुरेश कैपिटल तरुण कैपिटल और ये 18,000 4-3-2 में बांट देंगे। इसके बाद जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया था तो वहाँ पर हमने सुरेश के इस 25,770 को
सुरेश के लोन खाते में ट्रांसफ़र किया था, तो इसका भी हम एक एंट्री बनाएंगे। सुरेश कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सुरेश के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और उसमें 25,470 रुपये का एंट्री किया जाएगा। यह बात को ध्यान रखेंगे कि रिटायर कौन हो रहा है, सुरेश रिटायर हो रहा है, तो सुरेश के कैपिटल का पैसा सुरेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये लास्ट एंट्री होगी जहां पर हम सुरेश के कैपिटल को सुरेश के लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 ओके एंड फिनिश्ड नाउ। इसमें आप ध्यान देंगे, स्क्रीन पर एक पार्टनर जाता है लेकिन उसका बेटा उस फर्म में आता भी है, यानी रिटायरमेंट और एडमिशन हम इसमें दोनों ही पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है राम और श्याम 2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। यह निश्चित हुआ कि राम अवकाश ग्रहण करेगा और उसका पुत्र सुनील साझेदारी में शामिल किया जाए और उसे फर्म के लाभ में 1/3 भाग यानी 1/3 भाग दिया जाए। राम और श्याम दो ही पार्टनर हैं, उनका ये बैलेंस शीट है और यहाँ पर बोला राम जब अवकाश ग्रहण करेगा तो सुनील भी प्रवेश करेगा, उसका बेटा आएगा। उस वक्त संपत्तियों का मूल्यांकन होगा, भूमि और भवन 1,95,000, फर्नीचर 16,500, अंतिम रहती है 25,500, विविध देनदार 30,000 के और ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये निश्चय किया गया है। यह भी निश्चय हुआ कि फर्म में इतनी पूंजी लगाई जाए कि जिससे राम तथा बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया जाए यानी भुगतान हो जाए और 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी के रूप में रह जाए। श्याम और सुनील की पूंजी उनके लाभ विभाजन के अनुपात में हो जाए। राम ने सुनील की पूंजी की आधी राशि अपने पूंजी खाते से अपने पुत्र सुनील को हस्तांतरित करना स्वीकार किया। उपरोक्त व्यवस्था को पूर्णतया कार्यान्वित करते हुए फर्म के पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए, फर्म का नया चिट्ठा भी बनाइए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनेगा जिसमें भूमि भवन का दाम पहले 1,50,000 है, फिर 1,95,000 यानी कि 195 यानी कि 45,000 रुपये बढ़ चुका है। फर्नीचर 16,500 हो गया, पहले फर्नीचर था 21,000 यानी 4,500 रुपये का फर्नीचर कम हो गया। अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक जो है 27,000 से 25,500 हो गया, तो 1,500 ये भी कम हो गया। देनदार यानी डेटर्स 36,000 से 30,000 हो गए, 6,000 रुपये ये भी कम हो गए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 45,000 रुपये बढ़ा है तो 45,000 लिखेंगे। फर्नीचर 4,500 से कम हुआ है, स्टॉक 1,500 से कम हुआ है, बैड डेट्स हुए हैं 6,000 के, तो 45,000 में से इसको हम निकाल देंगे। 6, 4, 10, 11, 12,000 रुपये हट जाएगा तो 33,000 का फ़ायदा होगा। इस 33,000 को राम और श्याम इन दोनों में 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि राम और श्याम का जो रेशो है वह 2:1 का है, यानी 33,000 × 2/3 33,000 × 2/3 33,000 × 1/3 तो राम का और श्याम का प्रॉफिट पता चल जाएगा, उनके पूंजी खातों में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में तीन पार्टनर बनाएंगे, राम, श्याम और सुनील, जो कि राम का बेटा है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस BD। इस कैपिटल को यहाँ से लेंगे 1,14,057,000 यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD में। रिवैल्यूएशन का यह प्रॉफिट लिखा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो राम जा रहा है तो राम के हिस्से की जो गुडविल है उस गुडविल को देने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है और वह है कौन है, वह श्याम है। तो राम के हिस्से गुडविल होगी कितनी, तो राम के हिस्से गुडविल देखेंगे तो यहाँ फर्म की ख्याति है 30,000।
अगर ये 30,000 रुपये है तो राम के हिस्से की गुडविल 2/3 होगी। अगर 2/3 काटेंगे तो ये 20,000 रुपये की गुडविल आएगी। लेकिन ये 20,000 की गुडविल देगा कौन? ये 20,000 की गुडविल देगा श्याम, क्योंकि श्याम ही अब बचा हुआ है रिमेनिंग पार्टनर। तो यही हाल होता है, जो जाता है उसको देता है वही, जो बचता है। तो यहाँ पर बचेगा कौन? श्याम। तो यहाँ पर बाई श्याम्स कैपिटल के नाम से 20,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद जब हम राम के यहाँ पर जाएंगे तो राम के खाते में 20,000 तो लिखेंगे, लेकिन श्याम के यहाँ पर यही रकम सेम टू सेम डेबिट साइड में टू राम्स कैपिटल के नाम से डेबिट साइड में लिख देंगे, जिससे कि श्याम के खाते से निकल के राम खाते में पहुँच जाए। इसके बाद सवाल में एक खास चीज़ बताई गई है, वह यह बताई गई है एक विशेष प्रकार की वर्किंग। कहा गया है फर्म में इतना पैसा लगाया जाए जिससे राम की और सुनील की पूंजी इस हिसाब से एडजस्ट की जाए कि राम को भुगतान भी किया जाए और सुनील के द्वारा भुगतान जो कैपिटल होता है वह 1/3 लाया जाए। तो चलिए समझते हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो जो राम का टोटल पेमेंट है और श्याम का पेमेंट है, इन दोनों का ये पेमेंट यहाँ देखेंगे तो 114,000, 22,000, 20,000, यह 156,000 है और इसका श्याम का 68,000 यानी 68,000 है और ये 156,000 है, जिसमें से ये 20,000 श्याम के हिस्से में जो चला जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, वह निकल जाएगा। तो इसका मतलब है श्याम के हिस्से में से 20,000 घटेगा। तो इसका मतलब है 156,000, 68,000 तो जुड़ेंगे लेकिन उसी जगह पे 20,000 घट भी जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहले 156,000, 68,000, 156 और 68,000 जोड़ेंगे, 20,000 लेस करेंगे। इसके अलावा सवाल में एक खास बात और कही, इतना पैसा लगाया जाए कि बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो जाए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 39,000। तो 39,000 और जोड़ दीजिए, इसमें प्लस हो गया। फिर आगे बोलता है 15,000 कार्यशील पूंजी के रूप में रखी जाए, तो यानी कि कैश के रूप में, वर्किंग कैपिटल के रूप में इतना पैसा और रखना है, तो इसको भी जोड़ दीजिए। अब टोटल पेमेंट 1, 2 ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, लेकिन ये घटेगा। तो 258,000 की टोटल कैपिटल होनी चाहिए राम के जाने के बाद सुनील की, और श्याम की जो पूंजी है वह 258,000 होनी चाहिए। सुनील को भर्ती किया गया है 2/1 के रेशो में। तो जो सुनील आता है तो उसका जो रेशो है 1/3 होता है ये। तो इसका मतलब है अगर ये 1/3 है तो यानी 3 में से 1 हिस्सा सुनील का है, तो 2 हिस्सा किसका होगा? श्याम का। यानी इन दोनों का जो रेशो है 2:1 होगा, श्याम और ये सुनील। तो इसका मतलब ये होता है कि सुनील 1/3 का हिस्सेदार है और 2/3 का हिस्सेदार है श्याम। तो इनकी पूंजी का बंटवारा कर देंगे, 258,000 को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। पहला टुकड़ा होगा सुनील का, यह चेक करेंगे कि सुनील जो कि राम का बेटा है उसके हिस्से की कैपिटल गुडविल, गुडविल तो कहाँ नहीं है, तो यही माना जाएगा कैपिटल गुडविल सब मिला के जो कैपिटल उसे टोटल लाना है वह 1/3 भाग, इस पूंजी का 1/3 भाग 86,000 यानी 86,000 लाना होगा। जबकि श्याम को 2/3 इसी रकम का, 258,000 का 258,000 का 2/3 लाना होगा यानी 172,000। यही इनकी मौजूदा टाइम में कैपिटल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस कैपिटल को श्याम और सुनील के डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ और यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अब हमें पता चल गया है कि ये जो सुनील है इसको 86,000 रुपीज लाना है। तो 86,000 का आधा होता है 43 यानी कि 43,000। यह 43,000 इसको राम देगा यानी इसका बाप देगा, इसके पिताजी देंगे। तो बाई राम्स कैपिटल के नाम से हम सुनील के खाते में 43,000 ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर अब सुनील को बाकी के 43,000 रुपीज लाना होगा। तो इस प्रकार से सुनील को नगद 43,000 लाने हैं, बाकी 43 उनके पिताजी से मिल जाएंगे। तो अब सुनील के पिताजी के डेबिट साइड में जाएंगे और सुनील के नाम से 43,000 रुपीज निकाल देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में जाएगा और डेबिट से निकल जाएगा। इसके बाद जब हम राम का टोटल करेंगे 156,000 में से
43 घटा के बाकी राम को 1,13,000 का पेमेंट कर देंगे, यानी 1,13,000 का इनको भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद जो श्याम की पूंजी है टोटल 1,72,000 जो मैंने कहा बैलेंस सीडी के रूप में लिखेंगे ये, और 20,000 ये, यानी इसको टोटल 1,92,000 का बंदोबस्त करना होगा, जिसमें से इसके पास मात्र 68,000 यानी 68,000 है, तो इसको भी 1,24,000 रुपये का जुगाड़ करना पड़ेगा, नगद रुपया लाना होगा। तो हमें कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में हमने ऑलरेडी कैश का मैनेजमेंट कर लिया। उन्होंने कहा कि ये 15,000 रुपये रोकड़ के रूप में कार्यशील पूंजी के रूप में बचना चाहिए, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें 15,000 रुपये ही लिखेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। अब जो हमारी पूंजी है, अब वो पूंजी ये रहेगी, ध्यान रखेंगे। राम का पेमेंट हो चुका है, राम का कुछ नहीं हिसाब किताब बचा है, सिर्फ इन दोनों की पूंजी के रूप में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। इस प्रकार से श्याम और सुनील की कैपिटल लिखेंगे 2,58,000 रुपये, और यह क्रेडिटर लिखा जाएगा 24,000 रुपये यहाँ पर। इसके बाद रिजर्व फंड, ये बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखेंगे, रिजर्व फंड तो खैर इसमें है ही नहीं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ पर पेमेंट करवा दिया गया। उन्होंने कहा कितना पैसा लाओ कि इसका भी पेमेंट हो ही जाए, तो यह भी उस पेमेंट में शामिल हो गया, जिसका मतलब उन्होंने इतना पैसा लगाया है कि इसका भुगतान भी हो चुका है। तो अब बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म। अब आ जाइए एसेट साइड में, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का नाम 1,50,000 है, लेकिन अब 1,95,000 हो गया, तो हमने लिख दिया 1,95,000। फर्नीचर का दाम पहले 21 था, इन्होंने कहा 16,500 कर दो, तो हमने 16,500 कर दिया। स्टॉक 25,500 कर दो, डेटर 30,000 कर दो, स्टॉक 25,500, डेटर 30,000, और कैश एट बैंक कार्यशील पूंजी के रूप में इन्होंने कहा 15,000 रुपये बचना चाहिए, तो 15,000 रुपये ये लिख दिया। टोटल किया गया 2,82,000 रुपये, दोनों तरफ का टोटल बैलेंस शीट का आ चुका है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पर आंसर में भी 2,82,000 ये रहा, और इससे ऊपर वाले में ये रहा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है, 10 भी हो चुका है। फिर लेकर आएंगे अच्छी वीडियो जो होगी खास आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।